ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଗେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରଠୁ ଯେତେବେଳେଠୁ ବିଜେପି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ତା'ପରଠୁ ପଛକୁ ଫେରିନି ବିଜେପିର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଯାହା କମଳାକାନ୍ତ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବ। ଅଫିସିଆଲି ଯଦିଓ କନଫର୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁଛି, ପୋଡିୟମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପୋଡିୟମ ଲାଗିବ ଏଠି ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ନେଇ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତିଆରି ସୁରୁ ହୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଆଏଙ୍ଗେ ସାୟଦ ବିଲକୁଲ ସାୟଦ ନାଇଁ କନଫର୍ମ ହେ ଆଏଙ୍ଗେ। ଦେଖିଏ ହରିୟାଣା କି ଯୋ ଚୁନାଓ କି ଜିତ ହେ ଉସମେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କି ଏକ ପରମ୍ପରା ରହି ହେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କି ଜବ ଜବ କୋଇ ଭି ରାଜ୍ୟ ମେଁ ହମ ଚୁନାଓ ଜିତତେ ହେଁ ତୋ ଜିତନେ ଭି ହମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉନକା ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନେ କେ ଲିଏ ମାନ୍ୟ ମୋଦୀ ଜୀ ଆତେ ହେଁ ଆଉ ପୁରେ ସଂଗଠନ କେ ସାଥ सभी लोग आएंगे। ये शो रहे कि 7:30 बजे के आसपास है। कयास लगा जाता था कि कांग्रेस का ही पकड़ है इस चुनाव में, बीजेपी बैकफुट में है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी आप ऐसे लिए कि सारे बात, सारे जो स्ट्रैटेजी, सारे जो उस सब पीछे चल गया, बीजेपी का झंडा आगे बढ़ गया? देखिए प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भाजपा सरकार जहां भी जिस भी राज्य में सरकार होती है वहां हम कर्म प्रधान विश्वकर रेखा वाला रूल लेके चलते हैं। तो जब जनता का विकास होगा, जनता के लिए हमेशा आप तत्पर खड़े रहोगे, सरकार में रहते हुए भी आप कोई भी योजना लागू करें ग्राउंड स्तर पर उसको लागू कर देते हैं हम। करप्शन फ्री सरकार है और हमेशा आप रोड की बात कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर की बात कर लीजिए, आप जहां हरियाणा की सरकार जैसे वहां खेल मंत्रालय की बात कर लीजिए, तो हर एक सेक्टर में बहुत चहुमुखी विकास हुआ है। उसके नाम पर जनता ने समझा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। देश का नाम ऊंचा करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। थोड़ा पीछे रह गया कश्मीर में, देखिए परंपरागत अगर वोटर्स आप देखिए वहां, तो वो एक कम्युनिटी है जो किसी कीमत पे भी वो भाजपा को पसंद करना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार है, हमारा विकास अगर मुफ्त अनाज है तो चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति है उसको मिल रहा है, शिक्षा मुफ्त है तो वो भी मिल रही है उस तरीके से, तो जो सुविधाएं हैं वो मिल तो बराबर की रही है, लेकिन उनके दिमाग में ये जहर घोल दिया गया है कि भाजपा आपकी विरोधी है, जबकि वो उनका सोचना गलत है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति धर्म, जम्मू बेल्ट में आपका अच्छा रिजल्ट है, 29 जो सीट आप ले, जम्मू बेल्ट में बहुत अच्छा। जम्मू बेल्ट में वो फिर वही बात बोल रहे हैं ना, तो उसमें एक हमारा संगठन मजबूत रहा है, संगठन वहां भी काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में विकास दोनों जगह हुआ है। विकास देखिए वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है पिछली बार की तरह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी लोगों का विश्वास हम जीतने में थोड़ा सा और समय लगेगा। वो जो आज कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं ना, आने वाले वक्त में वो बीजेपी के पीछे खड़े होते नजर आएंगे आपको। बहुत बड़ी जीत है हरियाणा जी। सर ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा था, सब लोग कह रहे थे ऐसा ऐसा, मैं बोला कभी नहीं जिंदगी में कभी हम लोग, अब हरियाणा की बात करते हैं, जम्मू की बात, कहीं नहीं हारेंगे। और बोलिए जो विकास हो रहा है ना, सबको विकास दिख रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उस सोच को कोई भी नहीं पा सकता। अगर अभी देखिए रेलवे स्टेशन पूरे एयरपोर्ट की तर्ज में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और L&T ने क्या घोषित किया कि हमको वर्कर चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था, और आज हमारे देश में जो भारत की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम। आप क्या प्रधानमंत्री के लिए ही आए उनसे? हाँ देखो, हम मोदी नगर से आए हैं और यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो पार्टी आगे चलकर बहुत ही बड़े उसमें आएगी। अब आपके महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ इसके जो रिजल्ट आए हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आप देख लेना। और अब जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात आपने करी है अभी मेरे सामने, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी ऐसी है जो ये भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास, 29 सीटें आई हैं, बहुत बड़े
बहुमत के साथ हम आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारा जो विपक्ष है वो बहुत बड़ा मजबूत होगा जम्मू कश्मीर में। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, वो तो शुरू से ही हम चाहते, हमारा ये विचार था कि बेईमानों की कभी जीत नहीं होती। जो बेईमान होते हैं और देश को बरगलाते हैं, लोगों को, जनता को झूठ बोलकर जो करते हैं, वो कभी जीतते नहीं हैं। और यही हाल हुआ है। जहाँ तक आपका सवाल था कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ एक कम्युनिटी ऐसी है जो मुसलमान कम्युनिटी है, मैं साफ कह रहा हूँ। उन्होंने, आप क्या मोदी जी को ही सुनने आए? मैं भी मोदनगर से आया हूँ, भैया के साथ में आया हूँ। और मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना देता हूँ कि उन्होंने एक सही मुख्यमंत्री को चुना। और योगी जी और मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने उनके प्रयास से। मैं चार लाइन सुनाना चाह रहा हूँ आपको आज की जीत पर, हरियाणा की जीत पर। हरियाणा की जनता ने कुछ अजूबा कर दिखाया है, हरियाणा की जनता ने कुछ अजूबा कर दिखाया है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जिताया है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जिताया है। अब तो हरियाणा में तरक्की का सैलाब आएगा, अब तो हरियाणा में तरक्की का सैलाब आएगा। मोदी, योगी और नवाब सैनी साहब के नेतृत्व में हरियाणा नंबर वन कहलाएगा, हरियाणा नंबर वन कहलाएगा। आपको बोलना चाहता हूँ, आप जब से मोदी जी ने पद संभाला, गुजरात में मुख्यमंत्री हुए, आज तक उन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा। बाबा, क्या आप भी सुनने आए मोदी जी को? देखिए, मोदी जी ऐसे एक महान आदमी है जो कि इसकी व्याख्या मैं अपने वाणी से नहीं कर सकता हूँ। ये तो दिव्य आत्मा है, इसको हम क्या कहेंगे। ये जीत के लिए इनको बधाई देता हूँ और मोदी जी को साष्टांग दंडवत नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।